इस वीडियो में दो तरीके की घरेलू रेमेडी है जो आपके बालों को रिमूव करेगा है, वो चाहे आपके हाथ पैर के बाल हो या अपर लिप्स के बाल हो या चिन एरिया के या फिर आपके कान के साइड में बहुत ज़्यादा बाल है यानी फेस पर बाल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर में भी बाल ज़्यादा है जिससे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता है और आप छोटे कपड़े भी नहीं पहन पाती हैं, उसे रिमूव करने के लिए वैक्स का इस्तेमाल करती हैं, थ्रेड का इस्तेमाल करती हैं, रेजर का इस्तेमाल करती हैं, क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, तो इसके बाद आपको रिजल्ट ये मिलता है कि हर महीने आपको पार्लर जाकर ये सब कराना पड़ता है और दर्द भी झेलना पड़ता है, स्किन धीरे धीरे से लूज होने लगती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं स्किन पर और स्किन पर रेडनेस भी आता है, दाने भी आ जाते हैं और स्किन काला भी पड़ने लगता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो उसके लिए ये होममेड रेमेडी जरूर से ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड, ये रेमेडी आपके स्किन पर 100% वर्क भी करेगा और जो हम बाहर का केमिकल वाला क्रीम लगाते हैं उससे बेहतर भी रहेगा। अब इसे स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं तो कितने दिन तक कर सकते हैं, इसे बनाने में क्या क्या चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। इससे आपके बॉडी के सारे बाल गायब हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो चलिए रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पानी में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे जब तक कि ये अच्छे से मिल नहीं जाता है। ये जो पानी बनेगा फ्रेंड यही तो है जो हमारे बालों को आने से रोकेगा यानी वापस से बाल नहीं उगने देगा। तो इस पानी में हमें 2 चम्मच गुलाब जल डाल देना है फ्रेंड। तो यहाँ पर गुलाब जल को डालकर हमने अच्छे से इसे भी मिला लिया है। अब इसे आप एक स्प्रे बॉटल में भर कर रख लीजिए और रेगुलर इस्तेमाल करिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही बनाई हूँ, आप ये सब चीज़ों का रेशो बढ़ा लीजिएगा। तो इसमें क्या क्या डाला है वो भी बताऊँगी, पहले इसे हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्लीन बाउल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन क्लींजर का काम करता है, हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है, स्किन को स्मूथ करता है, स्किन पर जो गंदगी रहता है उसे आसानी से रिमूव कर देता है। अब साथ में इसमें डालेंगे बादाम का तेल। अब बादाम का तेल अगर नहीं है तो यहाँ पर आप ना कोकोनट ऑयल भी ले सकती हैं, मतलब नारियल का तेल ले सकती हैं। बस 4 से 5 ड्रॉप इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है तेल को। अब तेल को बेसन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद आपको लेना है कच्चा दूध, अगर गाय का दूध है तो वो लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप भैंस का या पैकेट वाला दूध भी ले सकती हैं। गाय का दूध हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है तो अगर पॉसिबल है तो आप वही इस्तेमाल करिएगा। दूध को डालकर हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। ये जो पैक बनेगा ये आपके स्किन से हेयर को इस तरीके से रिमूव करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंड इसे आप बनाकर 2 दिन तक स्टोर कर सकती हैं फ्रिज के अंदर। अगर आप इसे तुरंत बनाकर लगाएंगी तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 दिन के लिए आप स्टोर कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा क्योंकि आप देख सकती हैं जैसा वीडियो में, और टाइम कितना लगेगा वो भी आप देख सकती हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है चुटकी भर, उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच गेहूं का आटा। फ्रेंड जो गेहूं का आटा रहता है इसमें चिपचिपापन बहुत ज़्यादा रहता है जिससे ये हमारे स्किन पर बहुत ही अच्छे से चिपकेगा, और हल्दी पाउडर में एंटीसेप्टिक गुड़ होता है जो हमारे स्किन के इन्फेक्शन को भी दूर करेगा और इन्फेक्शन होने से रोकेगा भी। अब साथ में मैंने इसमें डाला है दही 1/2 छोटा चम्मच। तो अगर आप दही नहीं डालना चाहती हैं, आपके स्किन पर दही सूट नहीं होता है, तो आप दही को स्किप कर दें, बस थोड़ा सा इसमें और दूध डालकर इसको परफेक्ट तरीके से बना लें। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं ये भी बताइएगा, मुझे खुशी होगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है, मगर आप देख सकती हैं ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसे हमें थोड़ा सा और पतला करना है। तो उसके लिए बस दूध डालेंगे, आप चाहे तो दही भी डाल सकती हैं, यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और देखिए ये अभी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड इस तरीके से बनाकर आप अपने फेस पर या हाथ पैर में भी लगा सकती हैं। अगर आप दूध पैर में भी लगा सकती हैं तो लगाइएगा, नहीं लगाती हैं तो आप इसे पैर में मत लगाइएगा, या फिर दूध दही को स्किप करके गुलाब जल से इसे बनाइएगा पैर में लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, ऑयल या क्रीम वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये जो हमने
बनाया है ना सीरम, इसे लगाना है। अब ये कैसे बनाया वो भी बता देती हूँ। तो इसमें मैंने 2 चम्मच पानी लिया था और 1/4 छोटा चम्मच फिटकरी का पाउडर और 2 चम्मच गुलाब जल, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है, उसके बाद इसे लगा लिया है। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो आप सब चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद आप इसे स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिएगा और ये 15 दिन तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, तो आप जब चाहे इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे फेस पर लगाने के बाद फेस को अच्छे से सुखा लेना है, जो इसमें पानी है उसे सुखा लेना है। उसके बाद आपको इस रेमेडी को इस तरीके से लगाना है। आपको इसे ऊपर से नीचे की साइड लगाना है, यानी बाल के साइड में, और जब निकालेंगे तो उसका उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, आप इसी तरीके से अपने हाथ में पैर में भी लगा सकती हैं। तो ये मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है, ये देखिए। अब लगाने के बाद हमें इसे सूखने देना है, जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता तब तक इसे हमें नहीं निकालना है। फ्रेंड, इससे सिर्फ आपके अनचाहे बाल ही नहीं जाएंगे, इससे आपके जो चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपके स्किन पर डेड स्किन है, धूल मिट्टी प्रदूषण की वजह से आपके स्किन पर टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसे भी ये आसानी से रिमूव कर देता है। तो इसे आप हर केस में लगा सकती हैं, इससे कोई नुकसानी नहीं होगी, आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हेयर को ही रिमूव करेगा, इसे आप ऐसे भी लगा सकती हैं। इसे जेंट्स और लेडीज़ दोनों लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ के लिए है। बस ध्यान रखना है ये बच्चों के लिए नहीं है, तो आप बच्चों के ऊपर मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसमें हमने सब चीज़ तो नेचुरल ही डाला है, फिर भी मैं बोलूँगी कि आप बच्चों के लिए मत इस्तेमाल करिएगा। अब इसे आपको ना इस तरीके से देखिए मसाज करके निकालना है। तो ये भी सेमी ड्राई है, पूरी तरीके से हमने नहीं सुखाया है, क्योंकि हल्के हाथ से थोड़ा सा मसाज करेंगे ताकि जो डेड स्किन वगैरह है वो भी निकल जाए और हमारे स्किन को एक अच्छा सा मसाज भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बाल है वो बहुत ही आसानी से टूट कर निकल जाते हैं जब हम इस तरीके से अपोजिट साइड से मसाज करते हैं, और बाल इस तरीके से निकल जाएंगे फ्रेंड कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको दर्द भी नहीं होगा, स्किन डैमेज भी नहीं होगा, और ना ही आपके स्किन पर झुर्रियाँ आएंगी, ना दाने आएंगे, ना ही रेडनेस होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो थोड़ा बहुत रेडनेस आ सकता है, मगर इसको करने के बाद जब हम सीरम को लगाएंगे ना तो बिल्कुल भी रेडनेस नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे होता नहीं है, मगर अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत रेडनेस आ रहा है तो आप उस सीरम को लगाइएगा, आपको बहुत ही राहत मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सारा फेस पैक को रिमूव कर दिया है, ये देखिए। फिर आपको पानी से धो लेना है या फिर गीले कपड़े से पोंछ लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अच्छे से पोंछ लिया है इस तरीके से। अब एक सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि फेस अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब क्या करना है, अब इसको ना लगाने के बाद, निकालने के बाद अब हम इस सीरम को लगा लेंगे। इसको लगाने से होगा ये कि जो आपका बाल का ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपका जो बाल आता है वापस से ना, उसे ये स्टॉप कर देता है। अगर उसे नहीं लगाना चाहती हैं तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकती हैं, गुलाब जल लगा सकती हैं, या अपना फेवरेट कोई मॉइस्चराइजर क्रीम भी लगा सकती हैं, या एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाकर भी लगा सकती हैं। इसे आपको हफ्ते में 4 बार करना है, अगर पॉसिबल है तो रोज़ भी लगा सकती हैं, मगर आपको इसे हफ्ते में 4 बार ज़रूर लगाना है। बस 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे आपके जो हेयर है उसका ग्रोथ भी कम हो जाएगा, आपके चेहरे में निखार भी आएगा और आपके स्किन को टाइट भी ये कर देता है। जो हमने फिटकरी का पानी बनाया है ना, वो आपके स्किन को टाइट करता है, स्किन पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती हैं। तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं फ्रेंड, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई केमिकल नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत डरिएगा कि इससे आपका स्किन डैमेज हो जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत इस तरीके से एक्सरसाइज कर लेंगी ना तब तो सोने पर सुहागा का काम हो जाएगा, और भी अच्छे से आपका स्किन टाइट रहेगा और स्किन लटकेगी नहीं, और स्किन को बहुत ही अच्छे से मसाज भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड, चलिए दूसरा रेमेडी भी देख लेते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन है और ये भी एकदम केमिकल फ्री है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर इस पेस्ट को डालेंगे। अब ये पेस्ट है क्या, आपके भी दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आया होगा। तो फ्रेंड सोचिए मत, अगर आप भी सोच रही हैं कि ये पेस्ट है क्या ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे मैंने कैसे बनाया है। और साथ में ये भी बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है और ये पेस्ट आधा छोटा चम्मच के करीब है। अब इसमें डालेंगे चुटकी भर फिटकरी। तो यहाँ पर मैंने फिटकरी को पीस लिया है, यानी पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो बस चुटकी भर डालना है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। फिटकरी हमारे स्किन को टाइट करता है, स्किन के दाग धब्बे को रिमूव करता है और फिटकरी से हमारा जो स्किन है वो एकदम ग्लोइंग भी होता है, मतलब दाग धब्बे टैनिंग को रिमूव कर देगा तो आपका जो स्किन है वो ना एकदम से ग्लोइंग भी हो जाता है। अब इसमें मैंने डाला है एक छोटा चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा जो रहता है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है और झाइयाँ वगैरह को ये आसानी से रिमूव करता है। तो अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं तो आप इसे ज़रूर से लगाएं, क्योंकि झाइयों के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया वरदान है, यानी बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच भर के एलोवेरा जेल। अगर आप अलसी जेल भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब अलसी जेल बनता कैसे है, यानी तीसी का जेल, तो उसको मैंने बनाया था जिसका वीडियो हम आप लोग के साथ पोस्ट कर चुके हैं और उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। तो जो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद इसे थोड़ा सा पतला करने के लिए हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर हम गुलाब जल का इस्तेमाल करेंगे, दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। आप गुलाब जल डालिए या फिर दही भी डाल सकती हैं। इसे डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। फिर यहाँ पर डालेंगे 3 से 4 बूंद बस कोकोनट ऑयल, यानी नारियल का तेल। आप इसमें बादाम का तेल भी डाल सकती हैं, बादाम का तेल सबके पास नहीं रहता है, इसके लिए मैंने नारियल का तेल इस्तेमाल किया है ताकि हर कोई इसे बना सके। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने अच्छे से सब चीज़ों को मिला लिया है और देखिए ये कुछ इस तरीके से बन गया है। तो इसे थोड़ा सा और हम मिलाएंगे और इसे थोड़ा सा और पतला करेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जल डालकर मिला दिया है। अब जब तक इसे मिला रही हूँ तब तक देख लीजिए इसे हमने कैसे बनाया था। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑरेंज यानी संतरा। तो संतरे को पहले अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर दवा वगैरह हो सकता है। तो पहले खूब अच्छे से इसको रब करके धो लीजिएगा, उसके बाद आपको ग्रेटर लेना है, ग्रेटर से इस तरीके से इसे ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है छोटा वाला ग्रेटर लेना है, जिस पे हम अदरक वगैरह कद्दूकस करते हैं ना वो वाला लीजिएगा, बड़ा वाला मत लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से हल्के हाथ से ग्रेट करेंगे तो इसके ऊपरी सतह जो है ना ऑरेंज का वो पूरा ग्रेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दबा कर मत करिएगा, हमें इस संतरा को ख़राब नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से घुमा घुमा कर हम इसे ग्रेट कर लेंगे। फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए अच्छे से इसे ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। ये जो ऑरेंज का पेस्ट है ना ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा आपके स्किन पर, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। इसका पाउडर भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, मगर जो फ्रेश चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है ना। अगर हम सब्जी को पेड़ से तुरंत तोड़कर बनाते हैं ना तो बिना मसाले की सब्ज़ी भी एकदम टेस्टी लगती है। कौन कौन इसमें विश्वास रखता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हम 2-3 दिन बाद बासी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसमें ढेर सारे मसाले और तेल डालने पड़ते हैं, तब जाके वो टेस्टी बनता है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपको भी ऐसा लगता है। तो अब चलिए इसे हम लगा लेते हैं। तो उससे पहले आपको ना अपने फेस को खूब अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद पोंछ लेना है पानी को, ताकि फेस एकदम अच्छे से सूख जाए, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। अब हम इस पैक को लगाएंगे। तो एक बार इसे अच्छे से मिला लीजिएगा, उसके बाद आपको अपने फेस पर लगाना है। आप ब्रश की सहायता से लगाइए या फिर मेरी तरह उंगली से ही काम चला लीजिए, वो आपकी चॉइस है। मैं तो उंगली से ही लगाती हूँ क्योंकि हर किसी के पास ब्रश नहीं रहता है, तो दिखावे वाला काम नहीं है, जो रियलिटी है वही दिखाती हूँ। तो बस इस तरीके से इसे लगा लीजिए। ये होममेड रेमेडी है फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, मगर इसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा ना वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। ये ब्लीचिंग का भी काम करेगा, फेशियल का भी काम करेगा और स्क्रब का भी काम करेगा, और आपके हेयर रिमूवर के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। अब कैसे इसे करना है कि हेयर रिमूव भी हो जाए और हमारा सारा प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए,
यकीन मानिए इसे हर तरीके के प्रॉब्लम में आप लगा सकती हैं अपने फेस पर। ऐसा नहीं है कि टैनिंग है तो नहीं लगा सकती। इसकी एक ख़ास बात यह है कि जब मैंने इसको लगाया ना तो मुझे थोड़ा सा जलन फील हो रहा था, जैसे ब्लीच करते हैं तो नहीं रहता है वैसा सब जलन जैसा फील हो रहा था, मगर थोड़ा टाइम बाद ये ठीक हो गया। अगर आपके स्किन पर भी ऐसा कुछ हो, अगर ज़्यादा हो, तो आप इसे तुरंत रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव करने के बाद मेरे फेस पर ऐसा कुछ रेडनेस नहीं था, ना ही दाने आए, मगर मुझे जलन शायद ये ताज़ा फ्रूट का पील करके हमने डाला था इसके लिए, या फिर क्वांटिटी ज़्यादा थी इसके लिए। तो आप ना इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा कम करके डालिएगा, यानी हमने आधा छोटा चम्मच यूज़ किया था तो आप 1/4 छोटा चम्मच इस्तेमाल करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है, बस नीचे के एरिया में लगाया है, देखिए बस जहाँ पर ज़्यादा बाल का ग्रोथ रहता है। इसे ना 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। जब ये इस तरीके से सूख जाएगा ना, उसके बाद आपको इस तरीके से रब करना है। ये देखिए जब ये पूरी तरीके से ड्राई होगा ना, हल्का हल्का सा गीला रहेगा ना, तो जब रब करेंगी तो ये उपटन की तरह आपके स्किन से खुद ब खुद निकलते जाएगा, और जो आपके छोटे छोटे रोए रहते हैं ना वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। दर्द भी नहीं होगा, दाने भी नहीं आएंगे, रेडनेस भी नहीं होगा, स्किन ढीली भी नहीं पड़ेगी, और आपके जो पिंपल्स वगैरह के दाग हैं, जो तिल हैं काले काले छोटे छोटे से, जो 35-40 के प्लस के बाद ना क्या होता है कि इस तरीके के तिल छोटे छोटे से आ जाते हैं फेस पर और काले काले दिखते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसका जो कलर है ना वो आपके स्किन से मैच होने लगेगा, मतलब वो कलर धीरे धीरे ना लाइट होने लगता है तिल का, जिससे पता ही नहीं चलता कि आपके फेस पर तिल भी है। तो आपको ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 से 7 मिनट के लिए इस तरीके से मसाज कर लें, उसके बाद देखिए गीले कपड़े से मैंने पोंछ लिया है। अगर पूरी तरीके से आप ड्राई करके करेंगी तो उपटन के जैसा ये निकल जाएगा। उसके बाद आप कपड़े से पोछिए या फिर आप पानी से धो लीजिए फेस को। फिर यहाँ पर मैंने सूखा तौलिया ले लिया है, उससे भी मैं पोछ लेती हूँ। अब इसे हटाने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर करना है फ्रेंड, अगर पॉसिबल है तो रोज़ भी लगा सकती हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। मगर जैसा कि मैंने बोला है कि अगर जलन होगा ना, तो आप ना ऑरेंज के छिलके का जो पेस्ट था ना उसकी क्वांटिटी कम करिएगा, इस बात पर आप गौर करिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया अलसी जेल, अब इसे मैं इस तरीके से लगा कर 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करूँगी ताकि ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन एकदम मॉइस्चराइज रहे। स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है जो हमारे एलोवेरा जेल या अलसी जेल होता है ना, तो इसे आप ज़रूर से लगाइएगा, या फिर मॉइस्चराइजर क्रीम भी लगा सकती हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ज़रूर से दूसरा वीडियो देखने के लिए।